मैंने बहुत बड़ी पीड़ा सही। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी। कई बार तो दिन दहाड़े मुझे बड़े बड़े सपने आने लगते थे। घर के अंदर में जैसे ही सोने लगता, मेरे आंखों के सामने दुष्ट आत्माएं आ जाती थी। लगभग 30 साल में इन दुष्ट आत्मा से संघर्ष करता रहा। ये जो सांप है, जब हम अपने जीवन में उसे देखते हैं तो चैन नहीं रहता, लगातार नुकसान होते रहते हैं, लगातार कुछ न कुछ बीमारियां और मौत होती है, मन में लगातार कोई न कोई गड़बड़ी और डर बना रहता है। इसका मुख्य कारण है एक सांप। अगर किसी परिवार में एक सांप आता है तो शैतान उस सांप के द्वारा दुष्ट आत्मा को अंदर भेजता है, मन में डर और दुष्प्रभाव करके आखिर में आत्महत्या करने के लिए उकसाता है। उस व्यक्ति की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मेरे प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हमारी ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप किसी परिस्थिति के कारण संकट में हैं? दुखों को सहन नहीं कर पा रहे इस बात की चिंता है? डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए इस बात की चिंता है? या शैतान से परेशान होकर आप चिंता में हैं? अगर ऐसा है तो आप ये कार्यक्रम निरंतर देखें। आपका विश्वास दृढ़ बनाने के लिए ये कार्यक्रम ध्यान पूर्वक देखें। इस कार्यक्रम के अंत में भाई मोहन सी लाजरस आपकी अद्भुत चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए ये कार्यक्रम देखें, विश्वास से प्रार्थना करें, अवश्य चमत्कार पाएंगे। मेरा नाम है तंगमणि। मैं रोड जिले के गाँव में रहता हूँ। पुराने लोहे का व्यवसाय करता हूँ। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। अब मेरी उम्र है 46 साल। लगभग 30 साल दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। मैंने बहुत बड़ी पीड़ा सही। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी। नींद न आने की स्थिति से मैं हर एक रात परेशान, बहुत ही परेशान रहता था। बिल्कुल नींद नहीं आती थी। दिन दहाड़े घर पर दुष्ट आत्मा फिरते थे। एक औरत का साया तो मैंने अपनी आंखों से घर में देखा था। कई बार कुछ घर के अंदर होते, कुछ घर के बाहर फिरते। वो औरत सपने में आकर परेशान करती। रात को सोने जाता हाथ तो आकर बैठ जाती, छाती पर बैठती, गला दबाती, पैरों को पकड़कर खींचती, दोनों पैरों को पकड़कर खींचती थी। ऐसा बहुत ही परेशान करती, बहुत ही सताती। लगभग 30 साल मेरा अनुभव बहुत बुरा रहा। और ये दुष्ट आत्मा का सामर्थ्य मैंने अपने व्यवसाय में भी देखा। वहां भी मुझे बहुत बड़े कष्ट का सामना करना पड़ा। ऐसा होता, अगर मैं 1000 रुपए कमा लेता तो दूसरी ओर 2000 रुपए मेरे खर्च हो जाते थे। और ऐसा हमेशा ही होते रहता था। और किसी काम की आशा करते हुए अगर मैं एक जगह पर पहुंचा तो वहां पर भी मेरा काम नहीं होता था। लगभग 3-4 बार मैंने रुक रुक कर व्यवसाय शुरू किया, पर मेरा कोई भी लाभ नहीं हुआ। नौकरी पर गया तो ठीक से काम भी नहीं कर पाता था। मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं होता था। उस तरह से आर्थिक परेशानी भी थी। छोटी मोटी दुर्घटनाएं, कई बार तो दिन दहाड़े मुझे बड़े बड़े सपने आने लगते थे। घर के अंदर में जैसे ही सोने लगता, मेरे आंखों के सामने दुष्ट आत्माएं आ जाती थी। लगभग 30 साल में इन दुष्ट आत्मा से संघर्ष करता रहा। 30 साल दुष्ट आत्माओं के चक्कर में बुरी तरह फंसा हुआ था। लेकिन इसी साल 2021 के जून 6 तारीख को टीवी पर भाई मोहन सी लाजरस द्वारा अद्भुत पर्व कार्यक्रम का प्रसारण चल रहा था और हम परिवार के साथ मिलकर देख रहे थे। एक ऐसा कार्य है जो आपको निरंतर दुख दे रहा है। बहुत समय से, कुछ वर्षों से आप इसी दुख में, पीड़ा से गुजर रहे हो, परंतु आज प्रभु परमेश्वर यीशु आपको देखकर कहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। इसलिए प्रभु आपके लिए एक चमत्कार करने जा रहे हैं। एक ऐसी स्थिति है कि आपको लगता है कि ये दुख कभी नहीं बदलेगा, आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। यीशु अद्भुत कार्य कर सकते हैं। यीशु अद्भुत परमेश्वर हैं। भाई मोहन सी लाजरस दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उस प्रसारण में भाई बड़ी ही सामर्थ्यशाली रूप से दुष्ट आत्माओं, जादू टोने और मांत्रिक कार्यों को नष्ट करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तब हम भी उनके साथ प्रार्थना कर रहे थे। हे पिता, जो जो परिवार इस जादू टोने और मात्र कार्य में फंसे हुए हैं और दुष्ट आत्मा की जकड़ में जकड़े गए हैं, उन लोगों के छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ छुटकारा है।
इसलिए उन घरों में पवित्र आत्मा की उपस्थिति भर जाने दे, दुष्ट आत्मा की सब क्रियाएं नष्ट हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में परिवारों को नाश करने वाले जादू टोने की सामर्थ्य नाश हो जाए। आज एक पूर्ण छुटकारा, जादू टोने से छुटकारा, मात्रिक कार्यों से छुटकारा। और देखिए, उसी रात को लगभग सुबह के 4 बजे होंगे, एक दर्शन द्वारा प्रभु हमारे घर से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। छोटी बड़ी 4 दुष्ट आत्माएं, 2 पुरुष आत्माएं, कुल मिलाकर 6 दुष्ट आत्माएं घर से निकल जा रही थी। उनके सभी सामान सहित, जैसे थैला पेटी, सभी उठाकर बाहर रास्ते से जा रही थी। ऐसा दर्शन दिया मुझे। ये दुष्ट आत्माएं जैसे मेरे घर से बाहर निकल गई थी, तो 30 साल के बाद मुझे शांति भरी नींद आई और अब मुझे कोई बुरे सपने भी नहीं आते। अब कोई दुष्ट आत्मा ही नहीं है, अब कोई हाथों पैरों को पकड़ कर खींचता नहीं है और परिवार में पूर्ण समाधान है, एक बड़ा आशीष है। आज अगर मैं 100 रुपए की आशा करूं तो 500 रुपए मुझे मिल जाते हैं। काम पर जाते समय खाली हाथ जाता हूं और बड़ी आशीष के साथ मैं लौट आता हूं। पत्नी बच्चों और परिवार में अब शांति है, अब हम सब मिलकर बड़े ही सुख चैन से जी रहे हैं। अब हम परिवार के साथ मिलकर औरों के लिए, हमारे लिए सारे सेवा और सेवा कार्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पहले तो मैं 1 या 2 मिनट की प्रार्थना करता था, बाइबल तो पढ़ता ही था, पर अब भाई मोहन सी लाजरस के कार्यक्रम और सीधे प्रसारण नियमित रूप से देखता हूँ और उन्हें देखकर अब मैं लगभग आधे घंटे प्रार्थना करता हूँ और कम से कम 1 अध्याय, सुबह 1 अध्याय, शाम को 1 अध्याय पढ़ता हूँ। अब प्रार्थना का समय बढ़ा रहा हूँ। 30 साल से जिन समस्याओं का सामना किया, बस एक ही पल में उसे छुटकारा देने वाले प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा प्रेम भरा अभिवादन। परमेश्वर यीशु मसीह आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं, आपका ख्याल है उन्हें, इसलिए आज इस कार्यक्रम के द्वारा वो आपसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक चमत्कार की जरूरत है, है कि नहीं? किसी एक कार्य में आपको डर लग रहा है, आप पर प्रभाव पड़ रहा है, हो सकता है आपकी बीमारी हो या फिर कर्ज की समस्या, परिवार में कोई समस्या हो सकती है, आपके मन में डर हो सकता है, नींद न आने वाली एक स्थिति हो सकती है, कोई तो एक समस्या आपको और आपके परिवार को लगातार प्रभावित करती है, लगातार आपका पीछा कर रही है, वो एक दिन भी मैं चैन की सांस नहीं ले पा रहा हूँ, अगर बीमार पड़कर फिर मैं चंगाई पाता हूँ तो अगले ही दिन कर्जे की समस्या, पैसों की समस्या आती है, आमदनी में से कुछ बचा नहीं पा रहा हूँ, मैं कितना भी क्यों ना कमा लूँ कुछ न कुछ खर्चा आ जाता है, सब खत्म हो जाता है, घर में आशीष नहीं देख पा रहे हैं, फिर परिवार में झगड़ा, मन मुटाव, एक मन नहीं है, एक दिन सब अच्छा रहे तो दूसरे दिन ही घर एक युद्ध के मैदान समान बन जाता है, लगातार कुड़कुड़ाहट, ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसी एक स्थिति में हमारे मन में ऐसे एक विचार आते हैं कि आखिर हम क्यों जी रहे हैं, क्या आप भी इसी तरह की समस्याओं का शिकार हो? तो आपको कोई चमत्कार की जरूरत है ना, आज प्रभु यीशु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे, हर एक स्थिति वो बदल देंगे। आपको क्या समस्या पहुंचा रही है, क्या आपको प्रभावित करता है, आप जिस चीज से परेशान हो उस चीज में परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। अभी आपने भाई तंगमणि जी की गवाही सुनी थी कि उनके जीवन में क्या हुआ, आप कह सकते हो मेरे जीवन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो जो आप सोच रहे हो ऐसा आपके साथ ही नहीं बल्कि कहियों के जीवन में हो रहा है। क्यों घर में पैसे टिकते नहीं है, लगातार कुछ ना कुछ समस्या, आत्महत्या करने का मन होता है, बिल्कुल भी शांति का जीवन नहीं है, तो वो एक शाप हो सकता है। अच्छे से जान लीजिए, शाप, ये जो शाप है, जब हम अपने जीवन में उसे देखते हैं तो चैन नहीं रहता, लगातार नुकसान होते रहते हैं, लगातार कुछ ना कुछ बीमारियां और मौत होती है, मन में लगातार कोई ना कोई गड़बड़ी और डर बना रहता है। इसका मुख्य कारण है एक शाप। तो इस शाप के दूर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस भाई के जीवन में प्रभु ने उस शाप के बंधन को तोड़कर एक पूर्ण छुटकारा दिया। अगर किसी परिवार में एक शाप आता है तो शैतान उस शाप के द्वारा दुष्ट आत्मा को अंदर भेजता है, मन में डर और दुष्प्रभाव करके आखिर में आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, उस व्यक्ति की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो एक शाप है, और उस शाप ने क्रिया करने वाली वो आत्मा, दुष्ट आत्मा जो इस संसार में कार्य करती है। तो ऐसी स्थिति में उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें, क्या समाधान है इसका? शायद आप सोच रहे हो
तो मैं आपको एक समाधान बताता हूं। अब ध्यान दीजिए, मैं एक हिंदू पार्श्वभूमि से आया हूं, यह आप अच्छी तरह जानते हो। बहुत धार्मिक परिवार था हमारा और हम लोग नालू मावड़ी में रहते थे। खेत खलिहान थे, जमीन जायदाद, काम करने के लिए काफी नौकर चाकर थे, बहुत सारी गाय बैले थी। खेत जोतने के लिए जो बैलों की जोड़ी होनी चाहिए वो होती थी हमारे घर में, 2-3 बैलों की जोड़ियां थी, तो सारी व्यवस्था थी। गांव के लोग भी कहते थे उनका क्या, उनके पास तो सारी जरूरत की चीजें हैं। तो देखिए, बाहरी तौर से गांव वाले हमारा इतना सम्मान करते थे, सब चकाचौंध दिखता था, लेकिन अंदर हालात ऐसी थी कि मेरी दादी पड़ोस के घर जाकर 5 रुपए उधार लेकर आती थी। तभी मेरी माँ कहती थी, सब कुछ है हमारे पास पर कोई आशीष नहीं ठहरता। वही सत्य है, सारी चीजें थी, बाहरी रूप से देखा जाए तो सारी जरूरत की चीजें थी, खेत खलिहान, नौकर चाकर, भेड़ बकरियां, गाय बैल, ये सभी चीजें हमारे पास थी। कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, किसी न किसी रास्ते से खर्च हो जाता था, फिजूल खर्चा हो जाता था। 5 रुपए पड़ोस के घर से उधारी लेनी पड़ती थी, सब्जी तरकारी लानी है, ये चीज की कमी है, वो चीज लानी है, मैं तब की बात कर रहा हूं। तो यही प्रश्न मेरी माँ के मन में भी हुआ करता था कि सारी सुविधाएं हैं पर दरिद्रता बनी हुई है, तो वो एक शाप है। पर जब मैंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, प्रार्थना करने के बाद, उसके बाद मेरी माँ ने भी मुझे देखते हुए कुछ दिनों के बाद प्रभु को अपना लिया, बाइबल पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना शुरू की। मेरे पिताजी ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, पुरानी प्रार्थनाओं को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया। उसके बाद में हमारे परिवार में आशीष का आना शुरू हुआ। मेरी माँ अक्सर कहा करती थी कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी यहाँ करवाई कि ये परिवार बहुत ही अमीर परिवार है, और बाहरी रूप से देखा जाए तो सारी सुविधाएं भी थी पर घर में कोई पैसा ठहरता नहीं था, आशीष नहीं था। लेकिन अभी परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा की है, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद उन्होंने हमें ऊंचा उठाया है, ऐसा अक्सर मेरी माँ कहा करती थी। तो देखिए, एक शाप, हमारे पितरों का शाप हमारा पीछा करती है, आंखों से दिखाई न देने वाला एक सामर्थ्य, वो दुष्ट सामर्थ्य है। हो सकता है आपके परिवार में भी आज ऐसी एक स्थिति हो, लगातार कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, नुकसान होता है, बाधा आती है, समस्या होती है। कभी कभार बीमारी आती जाती है, वो नैसर्गिक है, मगर लगातार अगर बीमारी में पड़े रहे, अगर कोई कर्ज की समस्या आती है, अगले हफ्ते हम उसका हिसाब किताब करके अगले साल तक उसे चुकता कर देते हैं, तो वो बात ठीक है। पर अगर सालों साल कर्ज की समस्या सुलझती नहीं है, लगातार बढ़ता है, तो क्यों? इसमें कोई तो एक कार्य छिपा हुआ है। तो जब हम इसे बाइबल में पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 28 उसके 15 वचन के आगे पढ़ते हैं, तो शाप के बारे में काफी कार्य वहां लिखे गए हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में वहां लिखा है। डिप्रेशन, तनाव, निराशा, वो सभी एक शाप है, ऐसा हम पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं। पास में कुछ नहीं रहता, मेहनत हम करते हैं मगर उसका फल नहीं खा पाते, किसी और को फल मिलता है, तो वैसा एक शाप। क्या आप ऐसी स्थिति से प्रभावित हुए हो? इससे छुटकारा चाहिए ना? तो उसका क्या समाधान है? बहुत सारे पैसे खर्च किए मैंने, बहुत सब कुछ करके देख लिया, पैसे खर्च करके छुटकारा नहीं पा सकते, ये मुफ्त है। प्रभु यीशु मसीह ने देखिए भाई को मुफ्त में छुटकारा दे दिया, दुष्ट आत्मा चली गई, दुष्ट बंधन टूट गए, स्थिति बदल गई, आशीष आ गया। प्रभु सभी शापों को आशीष में बदल देते हैं। और उसका क्या कारण है? गलातियों 3:13 जब हम पढ़ते हैं, मसीह जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। वही हमें यहाँ बताया गया है, हमें हर एक शाप से छुटकारा देकर हमें आशीष से भर देने के लिए प्रभु क्रूस पर शाप बन गए। काट मतलब क्रूस का काट, क्रूस पर लटकाया जाने वाला शापित होता है, उसे शाप माना जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लहू बहाकर हमारे लिए मरे, उनके सर पर जो कांटों का ताज पहनाया गया, प्रभु यीशु मसीह के समय में कई लोगों को रोमी सरकार ने क्रूस पर लटका कर मारा, पर किसी के सर पर कांटों का ताज नहीं रखा गया, सिर्फ प्रभु यीशु के सर पर कांटों का ताज रखा गया। तो मुझे बताइए, वो कांटों का ताज क्या दर्शाता है? जब उत्पत्ति 3:17-18 हम पढ़ते हैं, तो जब पाप के कारण परमेश्वर ने भूमि को शाप दिया तो कहा कि वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी। तो परमेश्वर ने पहले उसकी सृष्टि नहीं की थी, अपने कांटे देखे होंगे, कांटों के पेड़ होते हैं, उनकी सृष्टि नहीं की थी परमेश्वर ने।
उन्होंने फल के पेड़, फूल के पेड़ पौधे उगाए और इंसान के लिए जो जरूरत थी जड़ी बूटियों की सृष्टि की, ऐसा लिखा है बाइबल में। पर मनुष्य के पाप के कारण जब भूमि को शाप दिया गया तभी कांटे होंगे, तो जो कांटे हैं वो शाप को दर्शाते हैं। तो देखिए, मानव जाति में हर एक इंसान को यही शाप बहुत पीड़ा देती है। तो देखिए, रहस्यमय तरीके से एक परिवार में शाप बना रहता है, कितने भी धार्मिक क्यों ना हो ये शाप हटता नहीं है। तो इसी शाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर शाप बन गए थे। उन्होंने शाप के एवज में एक प्रायश्चित का निर्माण किया, अपने सिर पर कांटों के मुकुट को ले लिया और कहा कि ये सारे शाप मुझ पर आ जाए और मेरे लोगों को आशीष मिले, ऐसा कहकर वो शाप बन गए। देखा वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। आपके शाप को बदलने के लिए वो खुद ही क्रूस पर लटक कर मर गए। हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया, हमारे सभी शापों को उन्होंने उठा लिया। जब आप विश्वास करके ऐसा कहते हो कि प्रभु आपके लहू के सामर्थ्य से मुझे धो दीजिए, मेरे परिवार को पवित्र कीजिए, इस शाप से छुटकारा दीजिए मुझे, क्रूस पर आप मेरे लिए शाप बन गए, इस शाप से मेरे परिवार को छुटकारा दीजिए, ऐसी जब आप प्रार्थना करेंगे तुरंत बदलाव होगा। वो शब्द बोलकर, क्रूस को याद करते हुए, लहू छिड़क कर आप प्रार्थना कीजिए। जैसे ही वो शाप का बंधन टूटता है तो शाप से आई हुई बीमारी निकल जाएंगी, शाप से उत्पन्न हुई दरिद्रता निकल जाएगी, शाप के कारण आई हुई कर्ज की समस्या निकल जाएगी, शाप से उत्पन्न होने वाली बाधाएं निकल जाएंगी। तो ऐसे ही आप बड़े बड़े चमत्कार देख पाएंगे। तो आज ही आपके शाप का बदलने का दिन है, आज आपके शाप से छुटकारा पाने का दिन है। क्या आप विश्वास करते हो? अब प्रभु को देख कर कहिए, प्रभु शाप के कारण मैं और मेरा परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, आप क्रूस पर हमारे लिए शाप बन गए थे और इसलिए मुझे और मेरे परिवार को इस शाप से छुटकारा दीजिए। अब हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। हमें शाप से छुटकारा चाहिए, ऐसी इच्छा रखने वाले अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रख दीजिए और हृदय पर हाथ रखकर क्रूस पर आपके लिए लहू बहाकर जिसने जान दी उस यीशु को स्मरण कीजिए। अपने मन में यीशु को स्मरण कीजिए, आंखें बंद करके कहिए, हे यीशु, मेरे लिए आप क्रूस पर शाप बन गए थे, मेरे और मेरे परिवार के शापों को आपने क्रूस पर उठा लिया, आपके लहू के सामर्थ्य से अब ये शाप पूरी तरह से चला जाए और मेरे परिवार में आशीष उत्पन्न हो। ऐसा बोलकर प्रार्थना तो ठीक है, तो आप मुंह खोलकर अब प्रभु से बात करें। हे पिता, जो कोई इस समय अपने हृदय पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, मुझ पर जो शाप है वो दूर हो जाए, मेरे परिवार पर जो शाप है वो दूर हो जाए, क्रूस पर जो आपने लहू बहाया है उस लहू का सामर्थ्य इसी समय मुझ पर और मेरे परिवार पर उतर आए। हे यीशु, इस शाप से छुटकारा दीजिए, ऐसा ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उस बेटे के लिए, उस बेटी के लिए, इस माँ के लिए, उस पिताजी के लिए, भाई बहन के लिए, युवा बेटे युवा बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके लहू का सामर्थ्य इस समय इन लोगों के ऊपर उतर जाने दीजिए, सारे शाप के दुष्ट बंधन इस समय यीशु मसीह के नाम में तोड़ दिए जाए, इस शाप में क्रिया करने वाली सारी दुष्ट आत्मा इस समय प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए, शाप के द्वारा आने वाली बीमारियां, पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए, कर्ज की समस्या जो शाप बनकर लगातार पीछा कर रही है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी तरह से नष्ट हो जाए, शाप बनकर पीछा करने वाली दरिद्रता वो गरीबी प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए, शाप द्वारा उत्पन्न हुई बाधाएं दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम में सारे कार्य सफल बने, आपका लहू छिड़क कर शाप की क्रियाएं नाश की जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, आज छुटकारा हो जाए, इस परिवार में छुटकारा हो जाए, इन भाई और बहनों के जीवन में छुटकारा, इस समय दुष्ट आत्माएं दूर हो रही हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। पाप में क्रिया करने की दुष्ट आत्मा का सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में अब तोड़ दिया जा रहा है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन से चंगाई, भलाई और आशीष इस परिवार में पूरी तरह से बनी रहे, हर एक शाप को आपने आशीष में बदल दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, हे पिता, आमीन आमीन। प्रभु ने प्रार्थना को सुना है और छुटकारा दिया है, आज से आप परिवर्तन देख पाओगे, शाप द्वारा आई बीमारी दूर हो जाएगी, शाप से आए बाधाएं दूर हो जाएंगी,
शाप द्वारा आई हुई कर्ज की समस्याएं दूर होंगी, अब सब कार्य सफल होंगे। अब सिर्फ आपको प्रभु को स्तुति देते हुए कहना है, हे प्रभु, मेरे लिए क्रूस पर आपने जान दी, पाप शाप से छुटकारा देने के लिए आपका धन्यवाद, कहिए मौत पर जय पाकर फिर से जी उठने के लिए धन्यवाद। जितना अधिक आप स्तुति करेंगे उतना ही प्रभु की उपस्थिति आप पर बनी रहेगी। सारे कार्य बदलते हुए आप अनुभव करेंगे और इस चमत्कार को देखकर खुश होंगे। प्रभु यीशु मसीह का आशीष आप पर बना रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 0443545454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.